वेलकम टू शिक्षक एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो हमारा शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है? ये बी डी सी ए जो पार्ट आ रहा है, ये हमारा शेडेड पार्ट आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? दो कंसेंट्रिक सर्कल गिवन है जिनका सेंटर क्या है, ओ है। जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है, एंड जो एंगल ए ओ सी गिवन है वो 40 डिग्री गिवन है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए हमें जो दो सेक्टर गिवन है, बड़ा सेक्टर कौन सा गिवन है, ओ ए सी गिवन है, और छोटा सेक्टर कौन सा गिवन है, ओ बी डी गिवन है, हमें इन दोनों के एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा, जो होगा एरिया ऑफ सेक्टर का। तो हम ऊपर साइड पे लिख लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता था, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता कि ये फॉर्मूला कहां से आया, तो इसके बेसिक्स का वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इस क्वेश्चन में आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो यही है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें अपनी नोटबुक के ऊपर, बिकॉज इसके बाद सिर्फ इसकी क्या रह जाएगी, कैलकुलेशन। हमने वैल्यूज पुट करनी है और देखना है आंसर कैसे आएगा, बट कैलकुलेशन को भी इजी कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे। आप एग्जाम में जरूर ऐसे ही कैलकुलेशन करें, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी के नीचे हम सेक्टर का फॉर्मूला लिख देंगे, एंड एरिया ऑफ सेक्टर ओबीडी के नीचे भी हम क्या कर देंगे, सेक्टर का फॉर्मूला लिख देंगे। देन हम क्या करेंगे, जो ओ ए सी के सेक्टर का फॉर्मूला था उसमें उसके थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी थी, 40 डिग्री, एंड नीचे तो क्या रहेगा, 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, एंड इसके रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 डिग्री आ रही है। सिमिलरली हम ऐसे ही ओबीडी में भी क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो वहां पे भी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 डिग्री आ रही है, पाई की भी 22/7 होगी, एंड जो हमारी आर की वैल्यू आ रही है किसमें, ओबीडी सेक्टर में आ रही है, वो हमारे पास 7 आएगी, बिकॉज वो जो सेक्टर बन रहा था वो छोटे वाले सर्कल के अंदर बन रहा था, एंड छोटे वाले सर्कल का रेडियस हमारे पास कितना था, 7 गिवन था। अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बन जाएगी, एंड माइनस के बाद ये हमारी सेकेंड टर्म बन जाएगी। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 40/360 दोनों में कॉमन आ रहा है, एंड 22/7 भी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। हम इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालने के बाद देखो ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म के पास क्या रह गया था, 14 का स्क्वायर, देन माइनस का साइन रह गया था, और उसके बाद 7 का स्क्वायर रह गया था। अब ये जो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बचा है, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। इसका आंसर क्या आता था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो हम 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर को कैसे नोट डाउन कर देंगे, 14 माइनस 7 लिख देंगे एक बारी, और दूसरी बारी 14 प्लस 7 लिख देंगे। 14 माइनस 7 का आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, एंड 14 प्लस 7 का आंसर 21 आ रहा है। अब ये सारे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम किसी भी ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, 154, एंड नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, 3। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हम इसको किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी भी दो सेक्टर के एरिया को माइनस कर रहे हो, उसमें से हमारे पास कॉमन आ सकता है, तो उसको हम इसी वे से सॉल्व करेंगे। अगर हम पहले पूरा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी फाइंड करते एंड एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी फाइंड करते, देन उनको सब्ट्रैक्ट करते, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, लेंथी हो जाता। इसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या हो गया था, क्वेश्चन इजी हो गया था। सो आप इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करना सीखिए, और अगर आपको बाकी क्वेश्चंस का भी आंसर चाहिए तो उनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वी होप आपको हमारा मेथड अच्छा लगा। सो सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन।